हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 पोएट्री के अंतर्गत आखिरी चैप्टर फार एनी ग्रेगरी का सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया अर्थात इसका मुख्य भाव, इस पोयम का मुख्य भाव क्या है, आज हम लोग इसी को देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है, आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखे हैं, तो एनी ग्रेगरी एक लड़की है जिसकी वार्तालाप एक व्यक्ति से होती है। अब वह व्यक्ति कौन है, इसका किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण इस पोयम में नहीं है। वह व्यक्ति या तो एनी ग्रेगरी का लवर हो सकता है, या उसका फ्रेंड हो सकता है, या फिर पोएट स्वयं हो सकते हैं। और दोनों के बीच में यही बात होती है कि लोगों के बीच में प्रेम करने के लिए क्या गुण देखते हैं। लोग जो है व्यक्ति के बाह सुंदरता को देख करके मोहित हो जाते हैं। बल्कि एनी ग्रेगरी का ये तर्क है कि हम चाहते हैं कि हमसे ऐसा कोई पर्सन प्रेम करे जो हमारी बाह सुंदरता को न देख करके बल्कि हमारी आंतरिक सुंदरता को देख करके प्रेम करे। तो आइए आज की इस पोयम के सेंट्रल आइडिया से कनेक्ट होते हैं और एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए इसको पूरा कवर करते हैं। देखिए, हम लोगों का सेंट्रल आइडिया है कि द पोयम फार एनी ग्रेगरी, द पोयम कविता फार एनी ग्रेगरी, एनी ग्रेगरी के लिए, ये लड़की का नाम है एनी ग्रेगरी, तो यह कविता जो फार एनी ग्रेगरी है बाई विलियम बटलर इट्स, एक किसके द्वारा है, विलियम बटलर इट्स के द्वारा, यानी जो पोएट हैं विलियम बटलर इट्स, इन्हीं के द्वारा यह पोयम जो है कंपोज्ड की गई है। और यह पोयम इज अबाउट, बारे में है, द परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स होता है संवेदना, अनुभव, ऑफ लव, प्रेम के। और यह पोयम जो है प्रेम की संवेदना या प्रेम के अनुभव के बारे में है। बाई डिफरेंट पीपुल, डिफरेंट मीन्स होते हैं अलग अलग, और पीपुल मीन्स होते हैं लोग। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह कविता फार एनी ग्रेगरी विलियम बटलर इट्स के द्वारा लोगों के अलग अलग, जो लोगों द्वारा अलग अलग विचार दिए जाते हैं उन्हीं के बारे में है कि प्रेम का किस, यानी यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इज अबाउट, इज है अबाउट, बारे में, द परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स होता है संवेदना, ऑफ लव, ए प्रेम की संवेदना के बारे में है। प्रेम के जो है संवेदना अर्थात अनुभव के बारे में, लोग जो होते हैं अलग अलग जो लोग हैं वह अपना अनुभव शेयर करते हैं प्रेम के बारे में। और द पोयम इज, कविता है इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग, डायलॉग का मतलब होता है संवाद। और यह कविता फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है रूप, यह कविता डायलॉग यानी कि संवाद के रूप में है, एक डायलॉग के रूप में है। बिटवीन टू पीपुल, दो लोगों के बीच में, बिटवीन मीन्स होता है बीच, टू मीन्स दो, पीपुल मीन्स लोग। और यह कविता दो लोगों के बीच में है, एनी ग्रेगरी, एक बात करने वाली एनी ग्रेगरी है, एंड और एनादर, दूसरा स्पीकर, वक्ता, और जो दूसरा, एनादर मीन्स दूसरा, स्पीकर, स्पीकर मीन्स होता है वक्ता, और जो दूसरा वक्ता है हुज आइडेंटिटी, हुज मीन्स जिसकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान। यानी कि यह कविता जो है द पोयम इज, कविता है इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, डायलॉग के रूप में, संवाद के रूप में, दो लोगों के बीच में, बिटवीन टू पीपुल, दो लोगों के बीच में, एनी ग्रेगरी के और एक दूसरे स्पीकर हैं, बोलने वाले हैं, वक्ता हैं, हुज आइडेंटिटी, जिसकी पहचान हैज़ नॉट बीन मेड क्लियर, स्पष्ट नहीं की गई है। क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट, यानी किस व्यक्ति से उसकी बात हो रही है एनी ग्रेगरी की, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है बाय द पोएट, कवि के द्वारा, यानी कवि के द्वारा उस व्यक्ति का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है, या उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं बताई गई है, पहचान नहीं बताई गई है। देयर फोर, इसलिए, इट कुड बी एनी वन, देयर फोर इसलिए, इट कुड बी एनी वन, एनी वन मीन्स होता है कोई भी, इसलिए वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिससे एनी ग्रेगरी की बात होती है। एनी इज लवर, वह एनी ग्रेगरी का प्रेमी हो सकता है। आर ए फ्रेंड, या उसका मित्र हो सकता है। आर द पीपुल आल, आर द पोएट हिमसेल्फ, या तो पोएट, कवि जो है हिमसेल्फ स्वयं हो सकते हैं। यानी यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर एनी ग्रेगरी और जो दूसरे स्पीकर, वक्ता हैं जिनके बीच में बात होती है, तो एनी ग्रेगरी की, तो एनी ग्रेगरी जिससे बात करती है उस व्यक्ति का पोएट के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि वह व्यक्ति कौन है।
अब वह कोई भी हो सकता है, चाहे तो एनी का लवर हो सकता है, चाहे तो उसका फ्रेंड भी हो सकता है, या पोएट स्वयं हो सकते हैं जिससे उसकी बात होती है। अब आगे देखिए, बताया गया है कि द पोयम सोज, यह पोयम यानी द पोयम, यह कविता जो है सोज, सो मीन्स होता है दिखाना, सोज दिखाती है द ट्रू नेचर। ट्रू नेचर का मतलब होता है सच्चा स्वभाव आप ह्यूमंस, मनुष्य का। यह जो पोयम है वह ह्यूमंस के, मनुष्यों के ट्रू नेचर यानी सच्चे स्वभाव को दिखाती है। ऐ जैसा कि दे आर ऑलवेज, जैसा कि दे आर, वे, दे मीन्स वे, आर मीन्स है ऑलवेज हमेशा, कैरिड अवे, कैरिड अवे का मतलब होता है मोहित हो जाना, जैसा कि व्यक्ति हमेशा मोहित हो जाता है बाय द आउटर ब्यूटी, बाय द आउटर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी का मतलब होता है बाह सुंदरता, जैसा कि व्यक्ति हमेशा बाह सुंदरता से मोहित हो जाता है। और ये जो बाह सुंदरता है विच इज इनसिग्निफिकेंट, यह जो है इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन, ये जो बाहरी सुंदरता है ये महत्वहीन है, इसका कोई महत्व नहीं होता, ये समय के साथ सुंदरता परिवर्तित हो जाती है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो ये सुंदरता कम होती जाएगी, लेकिन मनुष्य क्या करता है कि बाहरी सुंदरता को ही देख करके मोहित हो जाता है व्यक्ति के, जो कि मनुष्य का सच्चा स्वभाव है ये पोयम हमें बताती है। एंड और नेवर, कभी नहीं, पे अटेंशन, पे मीन्स देता है, अटेंशन मीन्स ध्यान, टू द ट्रू नेचर, ट्रू नेचर का मतलब होगा सच्चे स्वभाव, यानी वह सच्चे स्वभाव पर कभी ध्यान नहीं देता आप द पर्सन, व्यक्ति के, और जो व्यक्ति है वह व्यक्ति के सच्चे स्वभाव पर कि उसका आंतरिक गुण क्या है, उसके आंतरिक गुणों पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि उसकी बाह सुंदरता को देख करके उस पर मोहित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का सेंट्रल आइडिया था। सेंट्रल आइडिया में हम लोगों ने सीखा कि यह पोयम फॉर एनी ग्रेगरी विलियम बटलर इट्स के द्वारा लिखी गई है, और इसमें अलग अलग लोगों का जो प्रेम के प्रति अनुभव है, जो उनका परसेप्शन है, संवेदना है प्रेम के प्रति, उसको व्यक्त किया गया है। और इस कविता, यह कविता एक डायलॉग के रूप में है, संवाद के रूप में है, और दो लोगों के बीच में बात होती है, एनी ग्रेगरी के और एक दूसरा स्पीकर होता है, जिसकी पहचान इस कविता में कवि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। तो देयरफॉर इसलिए वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एनी ग्रेगरी का लवर हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है, और पोएट स्वयं हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लास्ट में जो लाइन बताई गई है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर बताया गया है कि द पोयम सोच, कविता दिखाती है द ट्रू नेचर, सच्चा स्वभाव आप ह्यूमंस, मनुष्य का, और यह पोयम मनुष्य के सच्चे स्वभाव को दिखाती है, जैसा कि मनुष्य का स्वभाव होता है कि दे आर ऑलवेज कैरीड अवे, जो मनुष्य है वह हमेशा कैरीड अवे, मोहित हो जाता है लोगों की आउटर ब्यूटी यानी बाहरी सुंदरता को देख करके, मनुष्य का यह स्वभाव होता है कि यह बाह सुंदरता को देख करके मोहित हो जाता है, लेकिन ये जो बाहरी सुंदरता होती है वह इनसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है, इसका कोई महत्व नहीं होता है, ये समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। और इसमें बताया गया है कि एंड नेवर पे अटेंशन, नेवर मीन्स कभी नहीं, पे मीन्स देना, अटेंशन मीन्स ध्यान, और जो व्यक्ति है वह कभी ध्यान नहीं देता द ट्रू नेचर, सच्चे स्वभाव को आप ए पर्सन, एक व्यक्ति के, और एक व्यक्ति के जो आंतरिक गुण है उस पर व्यक्ति कभी ध्यान नहीं देता है, बल्कि उसकी बाहरी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पोयम का जो सेंट्रल आइडिया था हम लोगों ने कवर किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा पूरी तरह से। तो अब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।